Hello everyone, I am Som Daya. Once again I'm here with a video. So today we will talk about the teacher's command. If you are a teacher or if you are a student, so these sentences will help you to speak in the class. तो आज का जो लेसन है वो टीचर्स कमांड के ऊपर है. जैसे ही आप क्लास में होते हैं तो बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करें, बच्चों को इंग्लिश में कैसे कमांड करें. तो ऐसे ही 20 सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा कि आप बच्चों से कैसे बात करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस है बेंच सीधे करो. क्लास में बैठे हैं और बच्चों से आप कह रहे हो कि आप बेंच को सीधे करो. सो अरेंज द बेंचेस, अरेंज द बेंचेस. हाजिरी बोलो. तो सबसे पहले जब क्लास में आते हो तो बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं तो उसे हम कहेंगे से योर अटेंडेंस, से योर अटेंडेंस. और दूसरे सेंटेंस में से कह सकते हैं अटेंड टू योर रोल कॉल, अटेंड टू योर रोल कॉल. ठीक है. वैसे रोल कॉल आर्मी या फिर मैं कहूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, फोर्स का एक वर्ड है. उसके अंदर जब उनकी जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं या फिर कोई भी मेंबर है फोर्स का, तो उनको इकट्ठा करके उनकी काउंटिंग की जाती है तो उसको हम रोल कॉल बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं तो एक जानते हैं कि कितने प्रेजेंट हैं, कितने एबसेंट हैं, तो रोल कॉल बोल सकते हैं हम. ठीक है. सो लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. आपकी छुट्टी बंद करी जाएगी. सो इसको हम दो तरीक़ों से बोल सकते हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली. तो आप आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा सेंटेंस चूज करते हैं. यू वॉन्ट बी अलाउड टू गो होम, यू वॉन्ट बी अलाउड टू गो होम. या फिर आप कह सकते हैं यू विल नॉट गो होम आफ्टर स्कूल, यू विल नॉट गो होम आफ्टर स्कूल. आधी छुट्टी में बाहर नहीं खेलना या फिर आधी छुट्टी में बाहर मत खेलना. ठीक है. मैंने पहले बताया था कि यदि मत वाले सेंटेंसेज आ जाएं तो उसके अंदर डोंट कंपलसरी होता है, डोंट आता है फर्स्ट में. ठीक है. सो डोंट प्ले आउटसाइड ड्यूरिंग रिसेस टाइम. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो डोंट प्ले आउट ड्यूरिंग रिसेस टाइम. सो लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट. सो जब भी आप किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा खड़ा होकर के पूछता है मैं बताऊं जी, या मैं बताऊं मैम, मैं बताऊं सर. तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, मे आई टेल मैम, मे आई टेल सर, या फिर सर मे आई टेल. दोनों ही तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. बच्चों को कई बार अटेंडेंस रजिस्टर लाने के लिए बोलते हो, चौक लाने के लिए बोलते हो, डस्टर लाने के लिए बोलते हो, क्लास के कोई भी मटेरियल स्टेशनरी आप बच्चों से मंगवाते हो तो उसमें कह सकते हो फैच द अटेंडेंस रजिस्टर प्लीज, फैच द अटेंडेंस रजिस्टर प्लीज, या फिर ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर प्लीज. दोनों सेंटेंसेज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. बेंचों पर मत लिखो. कई बच्चों की गंदी आदत होती है, वो बेंचों पे अपने नेम लिखने लग जाते हैं. सो डोंट राइट ऑन द बेंचेस, डोंट राइट ऑन द बेंचेस. कल चेक करेंगे. जैसे कोई बच्चा पूछता है कि मैम मेरी कॉपी चेक कर दो या सर मेरी कॉपी चेक कर दो, तो ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम हम बोलते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल चेक करेंगे. तो हम कह सकते हैं आई विल चेक इट टुमारो, आई विल चेक इट टुमारो. आई विल को हम शॉर्ट में अल बोलते हैं. ठीक है. या फिर आई विल बोलते हैं, आई विल चेक इट टुमारो. सो इट विल बी चेक टुमारो. दोनों सेंटेंस सही हैं. कॉपी बैग में से निकालो. टेक आउट योर नोटबुक फ्रॉम बैग, टेक आउट योर नोटबुक फ्रॉम बैग. और टेक आउट योर नोटबुक आउट, टेक योर नोटबुक आउट ऑफ योर बैग, टेक योर नोटबुक आउट ऑफ योर बैग. दोनों सेंटेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. अकल की बात करो. टॉक सेंसिबली, टॉक सेंसिबली. या फिर प्लीज टॉक इन सेंस, प्लीज टॉक इन सेंस. साफ साफ लिखो. राइट लेजिबली, राइट लेजिबली. राइट नीटली भी कह सकते हो आप इसे. घसीटे मत मारो. डोंट स्क्रीबल. जैसे बच्चे लिखते लिखते घसीट देते हैं, इधर उधर खींच देते हैं थोड़े से वर्डों को, तो उसे कहते हैं डोंट स्क्रीबल, नो स्क्रीबलिंग, नो स्क्रीबलिंग. वहाँ क्या हो रहा है. जैसे दूसरी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हो तो कहते हैं ना वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग देयर, व्हाट्स हैपनिंग देयर. या फिर दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. अपनी कॉपी में तारीख लिखो. तारीख लिखना को हम बोलेंगे मेंशन डेट इन योर नोटबुक, मेंशन डेट इन योर नोटबुक. और लिखना को वैसे राइट डाउन भी बोल सकते हैं. अपनी गलतियाँ पूरी करो या फिर अपनी गलतियाँ सही करो. रीराइट योर करेक्टेड मिस्टेक्स, रीराइट योर
करेक्टेड मिस्टेक्स, ठीक है, मतलब आपने जो मिस्टेक्स सही की हैं उनको आप दोबारा से लिख लो, ठीक है, जो गलतियां आपने की हैं उनको आपने सही करवा दिया है, तो उसके बाद कहते हैं इन गलतियां सीखी हैं इनको दोबारा से लिख लो, री राइट योर करेक्टेड मिस्टेक्स। अपनी ड्राइविंग की बुक में रंग भरो, अपनी ड्राइंग की बुक में रंग भरो, कलर अप योर ड्राइंग बुक, कलर अप योर ड्राइंग बुक। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कई बार बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं और आप पढ़ा रहे होते हैं तो कहते हैं कि सामने देखो, सामने देखो को हम कहेंगे लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। और इसी सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कई बार बच्चे इधर उधर ध्यान भटका हुआ होता है उनका, तो उनको बोर्ड पे हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं बोर्ड पर देखो, तो हम इसे कह सकते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। अपनी होमवर्क डायरी चेक कराओ, अपनी होमवर्क डायरी चेक कराओ, गेट योर होमवर्क डायरी चेक्ड, गेट योर होमवर्क डायरी चेक्ड। यहाँ पे डायरी मिस है तो आप इसे करेक्शन कर लेना। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अपनी पेंसिल कूड़ेदान में गड़ा करें, गड़ने का मतलब ये है कि छीलना, ठीक है। शार्पन योर पेंसिल एट डस्टबिन, शार्पन योर पेंसिल एट डस्टबिन, ठीक है। तो ये थे आज के लिए 20 ऐसे सेंटेंसेस जो आपके स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप रहता है उसको इंग्लिश में इन्हेंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहना द रूरल फाइट। और यदि आप पूरी इंग्लिश स्पोकन का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीछे के जितने वीडियोज़ हैं उनको भी आप एक बार देख लें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप देखते रहना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय द टाइम टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे एट होम।